हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की मिशन बुनियाद की वर्कशीट, और इन वर्कशीट से थ्रू आप समझेंगे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, उनके मीनिंग और उनके स्पेलिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली स्टोरी, जो कि है द बॉल। बॉल क्या होता है? जिससे आप खेलते हैं, जिसको हिंदी में हम गेंद भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें बॉल के बारे में यहाँ पे क्या बताया हुआ है? दिस इज़ अ बॉल। दिस का मतलब यह है, इज का मतलब है, आ मतलब एक, और बॉल मतलब बॉल। तो दिस मतलब यह है, इज मतलब है, आ मतलब एक, और बॉल मतलब बॉल। तो यह है, एक बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, आप मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को पढ़ते कैसे हैं वो भी दोहराएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत ना आए, ठीक है। द बॉल इज राउंड, द बॉल इज राउंड। तो द का तो कुछ मतलब नहीं होता, बॉल तो आप देख ही रहे हैं, ये बॉल है। इज का मतलब है, और राउंड का मतलब होता है गोल। राउंड का क्या मतलब हुआ? गोल। तो बॉल जो है वो कैसी है? बॉल गोल है, ठीक है। तो हमने दो लाइन तो इसकी पढ़ ली। इसके बाद है, द बॉल इज राउंड एंड हार्ड। जो बॉल है वो कैसी है? इज का मतलब है, राउंड का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि गोल, एंड का मतलब और हार्ड का मतलब टाइट होना, कठिन होना, ठीक है। तो बॉल जो है बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, ठीक है, या बहुत हम कह सकते हैं सख्त है। द बॉल इज राउंड एंड हार्ड। बॉल कैसी है? गोल है और हार्ड है। द राउंड एंड हार्ड बॉल इज ऑन अ स्मॉल टेबल। तो राउंड का मतलब गोल, एंड का मतलब और, हार्ड का मतलब कठिन या स्ट्रॉन्ग या कहेंगे टाइट। बॉल इज का मतलब है, ऑन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर होना। तो बॉल देखो यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लगाया हुआ है ऑन, ठीक है। आ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, और टेबल मतलब टेबल या मेज, ठीक है। तो गोल और हार्ड बॉल छोटी सी टेबल के ऊपर रखी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पहली कहानी। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी कहानी, जिसका नाम है द हाउस। आप पहली स्टोरी पढ़ चुके हैं, उसमें से जो भी आपको टफ वर्ड्स दिखे हैं या जो वर्ड्स आपको टफ लगे हैं, उनको आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उनके साथ में ही उसका मीनिंग भी लिखेंगे, और उनको याद करेंगे, और साथ में आप स्पेलिंग भी याद करेंगे, जिससे वो वर्ड्स आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कहानी है द हाउस, यानी कि एक घर की कहानी है। तो इस स्टोरी में पहली लाइन है, दैट इज माई हाउस। दैट का मतलब वह, इस का मतलब है, माई मतलब मेरा, हाउस मतलब घर, वह मेरा घर है। अगली लाइन, माई हाउस इज स्मॉल। माई मतलब मेरा, हाउस मतलब घर, इज मतलब है, और स्मॉल मतलब छोटा, यानी मेरा घर छोटा है, ठीक है। अगली लाइन है, माई हाउस इज नियर अ बिग रिवर। माई मतलब मेरा, हाउस मतलब घर, इज मतलब है, नियर मतलब किसी चीज़ के पास में होना, आ मतलब एक, बिग मतलब बड़ा या बड़ी, और रिवर का मतलब नदी। तो माई हाउस यानी मेरा घर इज नियर अ बिग रिवर, एक बड़ी नदी के नियर यानी कि पास में है, ठीक है। द स्मॉल हाउस इज नियर अ बिग रिवर। द स्मॉल हाउस, स्मॉल मतलब छोटा, हाउस मतलब घर, यानी छोटा घर इज नियर अ, इज मतलब है, नियर मतलब पास में होना, आ मतलब एक, बिग मतलब बड़ा या बड़ी, रिवर मतलब नदी। तो मेरा घर एक बड़ी नदी के पास में है, ठीक है बच्चों।
तो इस स्टोरी में भी आपको जो वर्ड्स टफ लगे हैं, कठिन लगे हैं, उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, साथ में उनका मीनिंग लिखेंगे और आप मीनिंग के साथ उन वर्ड्स को याद करेंगे और स्पेलिंग भी याद करेंगे, ठीक है। अगली कहानी है फाइव बर्ड्स। फाइव, पाँच, बर्ड्स मतलब, बर्ड मतलब क्या होता है, पक्षी। तो देखा, यहाँ पे देखो पांच बर्ड्स हमें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी एक पेड़ पर पांच बर्ड्स नज़र आ रही हैं। देयर आर फाइव बर्ड्स ऑन अ ग्रीन ट्री। देयर का मतलब होता है यहाँ पे जनरली हम बोलते हैं, ठीक है। आर मतलब हैं, फाइव का मतलब पांच, बर्ड्स का मतलब पक्षी, ऑन मतलब किसी चीज़ पर होना। देखो यहाँ पे पक्षी किसके ऊपर बैठे हुए हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे आया है ऑन, ठीक है। आ, आ मतलब एक, ग्रीन मतलब हरा और ट्री मतलब पेड़। तो देयर आर फाइव बर्ड्स, यहाँ पर पांच बर्ड्स यानी पांच पक्षी हैं। कहाँ पर पांच पक्षी हैं, ऑन अ ग्रीन ट्री, एक हरे पेड़ के ऊपर फाइव बर्ड्स यानी पांच पक्षी हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द बर्ड्स आर स्मॉल। जो बर्ड्स हैं वो कैसे हैं बच्चों, द बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी, आर मतलब हैं, स्मॉल मतलब छोटे। जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो कैसे हैं, वो स्मॉल यानी कि छोटे हैं। द बर्ड्स आर ब्लैक। जो बर्ड्स यानी पक्षी हैं, आर हैं ब्लैक मतलब काले। जो बर्ड्स हैं वो कैसे हैं, वो काले रंग के हैं यानी ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। इसके बाद है दे आर स्मॉल एंड ब्लैक। दे मतलब वे या वे सभी, आर मतलब हैं, स्मॉल मतलब छोटे, एंड मतलब और, ब्लैक मतलब काले। तो ये सभी पक्षी छोटे हैं और काले रंग के हैं, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी में भी आपको जो टफ वर्ड्स नज़र आए हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ में उनका मीनिंग लिखेंगे और आप वर्ड मीनिंग प्लस में स्पेलिंग को ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आज की हमारी लास्ट कहानी, लास्ट स्टोरी है, जिसका नाम है फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट मतलब होता है फूलों का गमला, ठीक है। आई हैव अ फ्लावर पॉट। आई मतलब मैं, हैव मतलब पास में होना, आ मतलब एक, फ्लावर मतलब फूल, पॉट मतलब गमला। तो मेरे पास, आई हैव यानी मेरे पास एक फूल का गमला है, ठीक है। अगली लाइन द फ्लावर पॉट इज लार्ज। फ्लावर फूल, पॉट मतलब गमला, जो फूलों का गमला है, इस का मतलब है लार्ज मतलब बड़ा है। तो फूलों का गमला कैसा है, लार्ज है, बड़ा है। इट इज मेड ऑफ क्ले। इट मतलब यह है, इज मतलब है, मेड मतलब बना होना, किसी चीज से बना होना, ऑफ मतलब होता है का और क्ले मतलब होता है मिट्टी। तो ये जो गमला है, फूलों का गमला है, वो किस चीज़ से बना हुआ है बच्चों, वो बना हुआ है मेड ऑफ क्ले यानी कि मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन है द फ्लावर पॉट इज इन माई गार्डन। आप मेरे साथ इन सभी लाइन्स को दोहराते चलेंगे। द फ्लावर पॉट इज इन माई गार्डन। फ्लावर मतलब फूल, पॉट मतलब गमला यानी फूलों का गमला, इज मतलब है, इन मतलब में, किसी चीज़ के अंदर होना, माई मतलब मेरा और गार्डन मतलब बगीचा, यानी जो फूलों का गमला है वो मेरे बगीचे के अंदर रखा हुआ है, या फिर हम कहेंगे कि मेरे बगीचे में रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की चार स्टोरीज, और इनमें जो भी आपको टफ वर्ड्स नज़र आए हैं, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको याद करेंगे, वर्ड और मीनिंग दोनों याद करेंगे और उन वर्ड्स की स्पेलिंग भी ज़रूर याद करेंगे। अगर इस पूरी वर्कशीट में आपको कुछ टफ लगा है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।